आपसे कोई सवाल करे कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे चीन। मगर थोड़ा ठहरिए, दरअसल आपका ये जवाब अब गलत साबित होने वाला है। सालों से हमने यही सुना है कि चीन जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। ये भी पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत अगले कुछ सालों में चीन की जगह ले सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पहले ही हो चुका है। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो भारत की जनसंख्या पहले ही चीन की जनसंख्या को पार कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अंत में भारत की जनसंख्या 141 करोड़ 70 लाख थी, जबकि चीन ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उसकी आबादी 141 करोड़ 20 लाख बताई गई। अगर इसे मान लिया जाए तो भारत की जनसंख्या चीन से 50 लाख ज्यादा है। भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा 30 वर्ष से कम की आयु का है और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है, यह 2050 तक जारी रह सकती है। चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जिसे बहुत सख्ती से अपनाया गया और इस सख्त वन चाइल्ड पॉलिसी को 2015 में समाप्त कर दिया गया। इस नीति को खत्म करने के बाद चीनी सरकार ने परिवारों को एक से अधिक बच्चा पैदा करने की हिदायत दी, हालांकि इसमें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में विभिन्न देशों के लोगों की औसत उम्र बताई गई, जिसमें भारत के लोगों की औसत उम्र 28.7 रही, जबकि चीन के लिए 38.4 तो वहीं जापान के लिए 48.6 वर्ष रही। UNFPA के अनुमान के मुताबिक भारत की 68% जनसंख्या 50 से 64 साल के बीच की, जबकि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का प्रतिशत मात्र 7 है। वहीं UN ने बताया कि भारत की 27% जनसंख्या 15 से 29 साल के बीच की। चलिए जाते जाते आपको दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों के नाम बताते हैं।